SC Verma Solution, Chapter 8, Question Number 32. A block of mass 100 g is moved with a speed of 5 m per second at a highest point in a closed circular tube of radius 10 cm kept in a vertical plane. The cross-section of the tube is such that the block just fit in it. The block makes several oscillations inside the tube and finally stops at the lowest point. Find the work done by the tube on the block during this process. Okay, हमें क्या देगा? एक tube given है जिसका radius है 10 सेंटीमीटर, यानी मीटर में देखूंगा तो 0.1 मीटर रेडियस दे रखा है। इसमें एक ब्लॉक फिट है जो सबसे पहले ऊपर है और इसको एक स्पीड दिया 5 मीटर पर सेकंड, जिससे ये नीचे आ रहा है। ओके, और इस ब्लॉक का मास दे रखा है 100 ग्राम यानी 0.1 केजी। हमें क्या पूछा है? वर्क डन बाय दिस ट्यूब। और ब्लॉक को कहां लेके आना है? लोवेस्ट पॉइंट पे लेके आना है। तो ये जब ऐसा आएगा तो यहां से ऑसिलेशन करेगा और फिर यहां आके रुक जाएगा। तो वर्क डन बाय ट्यूब क्या है ये पूछा है अपने को, राइट? तो देखो, जब ये नीचे आ रहा है और इसको वर्टिकल प्लेन में रखा है, नीचे आ रहा है, तो वर्क किस-किस की वजह से हो रहा है? तो वर्क देखो, एक तो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है और एक फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, यानी ट्यूब के फ्रिक्शन की वजह से। यानी जो ट्यूब का वर्क आएगा वो नेगेटिव आना चाहिए, राइट? क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। तो देखो, सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि टोटल वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट? यहां से ये यहां आ रहा है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अब टोटल वर्क डन में कौन-कौन सा वर्क आता है? एक तो ट्यूब का वर्क आएगा जो अपना ट्यूब के फ्रिक्शन का वर्क होगा, और एक ग्रेविटी का वर्क आएगा, राइट? इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0, क्योंकि फाइनल तो रेस्ट में आ रहा है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², राइट? तो वर्क डन बाय ट्यूब प्लस ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो, नीचे mg लग रहा है और ब्लॉक भी नीचे आ रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, यानी पॉजिटिव mgh, और ये 0 - 1/2 mv², यानी वर्क डन बाय ट्यूब आ जाएगा -mgh - 1/2 mv², राइट? ओके, mgh की वैल्यू पुट करते हैं 0.1 × 10 × 0.2 - 1/2 × 0.1 × 25, राइट? ये आ जाएगा, सॉल्व करो इसको, ये आ जाएगा 0.2, ये आ जाएगा 1.25। तो इसको सॉल्व करेंगे, दे देगा -1.45 जूल। ये वर्क डन क्या होगा? ट्यूब का। अब ट्यूब का नेगेटिव वर्क आ रहा है, इसका मतलब ट्यूब ऊपर फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो ये फ्रिक्शन का वर्क है, ट्यूब के फ्रिक्शन का वर्क, राइट? तो वर्क डन बाय ट्यूब क्या होगा? -1.45 जूल। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर कमेंट कीजिए।